Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hope you all are doing great और आप लोग enjoy कर रहे होंगे summer vacations इस दफा की इतनी गर्मी वाली है. हालांकि अभी मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी. और ये है कि इतनी शरीर गर्मी के अंदर अगर कोई इवेंट आ जाता है ना, सबसे पहला ख्याल ये होता है कि बेस कैसे दिखेगी, क्योंकि खासतौर पर मुझ जैसे लोग जिनकी स्किन ऑयली हो जाती है सर्दियों में, मतलब गर्मियों में, खासतौर में मुझे से लोग. तो आज की वीडियो है इसी बारे में. आज की वीडियो में आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ फ्यू टिप्स के जिसके थ्रू मैं अपनी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाती हूँ, स्वेट प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ बनाती हूँ. और ख़ासतौर पे ये जो मैं शेयर करने वाली हूँ वीडियो, ये डे टाइम के लिए हैं. अगर आप नाइट टाइम में कर रहे हैं सेम आपने प्रोसीजर जो है ना फॉलो करना है. जस्ट आपने सन ब्लॉक स्किप कर देना है. सन ब्लॉक डे टाइम के इवेंट में आपने जरूर इंक्लूड करना है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला स्टेप होगा आइसिंग का, लेकिन हम इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि एक सॉफ्ट से कपड़े में आप इसे लपेटकर अपने फेस का मसाज करेंगे. फेस आइसिंग के जो फोर मेन बेनिफिट्स हैं उनमें से एक है आपकी ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छी होती है, दूसरा आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं, एक इंस्टेंट ग्लो आता है, और अगर आपके फेस पे कोई भी स्वेलिंग होती है ना जो ज़्यादातर लोगों को होती है उठने के बाद, ये उसको भी कम करता है. और आइसिंग भी मैंने उस वक्त तक की है जब तक कि वो पूरा क्यूब मेल्ट नहीं हो गया. उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है मॉइस्चराइज़र पर. यहाँ पे जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ उसमें SPF भी है. अगर आपका मॉइस्चराइज़र में SPF नहीं है तो आपने पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, देन सन ब्लॉक अप्लाई करना है. और सन ब्लॉक अप्लाई करने का रोल ये है कि आपने एक अच्छी अमाउंट लेनी है, अच्छी से मुराद अच्छी अमाउंट. यहाँ पर मैंने, आप देख लें, अपनी 2 फिंगर्स पूरी भर के अप्लाई की है सन ब्लॉक की. और मैं इससे अपने उन तमाम पार्ट्स को कवर करूँगी लाइक फेस को, नेक को, हैंड्स वगैरह को. और सन ब्लॉक अप्लाई करने के बेनिफिट्स ये हैं कि इट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम यूवी रेज, आपकी इम्यून टोन को मेंटेन करता है, डिले करता है साइन ऑफ एजिंग, और रिड्यूस करता है स्किन कैंसर के रिस्क को भी. दैट्स वाई सन ब्लॉक इज़ मस्ट. इवन आप घर में भी हैं, चूल्हे पर काम करना है या किचन में आप जा रही हैं ना, तब भी आप सन ब्लॉक अप्लाई करें. थर्ड स्टेप इज़ प्राइमर, और यहाँ पे मैं ऑयल कंट्रोल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. और इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पर और टी जोन एरिया पर, क्योंकि यहीं पर मुझे ज़्यादा स्वेटिंग होती है. और प्राइमर अप्लाई करने के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो ये स्मूद आउट करता है फाइन लाइन्स को, दूसरा आपके मेकअप को लास्ट लॉन्ग करता है, और इससे स्वेटिंग भी आपको कम होती है और पोर्स भी आपके मिनिमाइज होते हैं. फोर्थ स्टेप है सेटिंग स्प्रे. गर्मी बहुत थी तो इसलिए फिंगर्स को इग्नोर करें, मैंने वहाँ काउंट किया 3, लेकिन ये हमारा फोर्थ स्टेप है. और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ अगेन ऑयल कंट्रोल सेटिंग स्प्रे. फिफ्थ स्टेप है कलर करेक्शन, और इसके लिए मैं जो हूँ ये पैलेट यूज़ करूँगी. इसमें से मैं ये शेड ले रही हूँ जो कि एग्जैक्ट मैच है मेरी स्किन टोन का. इसे मैं पहले अप्लाई करूँगी अपने अंडर आई पर, और जहाँ जहाँ मुझे थोड़े बहुत स्पॉट्स दिख रहे हैं या पिगमेंटेशन दिख रही है, ब्रश की हेल्प से मैं इस शेड को अप्लाई करूँगी. और मैं इसे रब नहीं करूँगी, ड्रैग नहीं करूँगी, जस्ट टैप टैप करके अप्लाई करूँगी और इसे छोड़ दूँगी ऐसे ही. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर. और मोस्टली ट्रांसलूसेंट पाउडर के अंदर जो है वो कॉर्न स्टार्च वगैरह होता है जो कि बहुत अच्छे से ऑयल कंट्रोल करता है और स्वेट को भी कंट्रोल करता है. फाउंडेशन, और फाउंडेशन हम यूज़ करेंगे मैट फाउंडेशन, क्योंकि मैट फाउंडेशन बेस्ट होती हैं ऑयली स्किन वालों के लिए. और इधर मैंने जो फाउंडेशन ली है उसे मैं फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी, एंड देन मैं इसे जो ब्लेंड करूँगी वो भी मैं फिंगर की हेल्प से ही करूँगी. इससे जो है ना आपकी जो फाउंडेशन है ना वो बहुत नेचुरल लुक देती है, बिल्कुल स्किन के अंदर ऐसे मेल्ट हो जाती है और स्किन लाइक फील आता है. ऐसा नहीं लगता कि आपने ऊपर से कोई लेयर लगाई हुई है फाउंडेशन की.
देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करूँगी सेटिंग स्प्रे का, और इससे मैं अपनी फाउंडेशन को मज़ीद सेट कर लूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर को भी हम डैप डैप करके ही यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो फाउंडेशन है कहीं से भी रिमूव ना हो, बल्कि हमारी स्किन में अच्छे से सेट हो जाए और फिक्स हो जाए। कंसीलर, और इधर मैं एक शेड लाइटर लूँगी और इसे यूज़ करूँगी अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए, और इसी से मैं जो हूँ ना अपनी आईलिड को भी प्राइम कर लूँगी। और अगर हम बिना अपना कलर करेक्शन किए पहले डायरेक्ट हाईलाइट करते अपने अंडर आई एरिया को तो वो ग्रे हो जाता, लेकिन पहले हमने कलर करेक्शन की थी देन हम कंसील कर रहे हैं अपने डार्क सर्कल्स को। तो अब आप ख़ुद फ़र्क देखिएगा कि किस तरीके से फ़र्क आता है दोनों आँखों के अंदर। मैं आपको पहले एक आँख करके दिखाऊंगी, देन मैं अपनी सेकेंड आई कंप्लीट करूंगी। और इसको हम सेट करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर से ताकि हमारा जो कंसीलर है वो क्रीज ना करे, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। अब मैं सेकेंड आई को ऑफ द कैमरा कंप्लीट कर लूँगी और हमारी ये बेस कंप्लीट है। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी टेंट, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है ना टेंट बहुत अच्छा वर्क करता है और इतना फ्रेश लुक देता है कि आपको जो है किसी ब्लश और बहुत ज़्यादा कोई कॉन्टोरिंग शॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे मैं जो हूँ ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और हमें इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है ताकि एक लिफ्टेड लुक आए। और वैसे तो ये कम्प्लीटली मैट लुक था, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि डे टाइम के अंदर जो है ना ज़्यादा हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता। और आईज पर मैं जस्ट आईलाइनर अप्लाई करूँगी और मैं उसी टेक्निक से अप्लाई करूँगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी लिंक, डू चेक आउट। और यहाँ पे मैं हाफ विंग आईलाइनर बना रही हूँ। लोअर लैश लाइन पर मैं एक बहुत ही लाइट सा ब्राउन शेड लेकर अप्लाई करूंगी टू गिव सम डेफिनेशन टू माय आईज। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्कारा एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा। और इससे जो है ना आपको कोई फॉल्सेस वगैरह की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट एक कोट लगाएं और थोड़ी देर बाद सेकंड कोट लगाएं और आपको डिफरेंस फील होगा अपनी आईलैशेस में। एंड हियर वी आर डन एंड रेडी टू गो। एंड एज यू कैन सी मैंने टोटली मैट लुक रखा है क्योंकि ऑयली स्किन के ऊपर जो है ना मैट लुक ही डे टाइम के अंदर सूट करता है। कोई ज़्यादा हाइलाइटर ऐड नहीं करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र प्रूफ मेकअप। और यह है कि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। उसके अलावा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।